इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो शेयर के बारे में, जहां पे इतना ज़बरदस्त तेजी वाले माहौल में कह सकते हो जोमेटो शेयर में गिरावट हमें देखने में मिला 2% से ऊपर का। 175 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ शेयर अभी के टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 200 से भी ऊपर के लेवल पे टच करके और नीचे अभी के टाइम में लगातार आते हुए हमें दिख रहा है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे, इसका 52 वीक लो 67 रुपये का है और यहाँ पे 52 वीक हाई 207 का, जो कि 52 वीक हाई के बाद अभी लगातार गिरावट में शेयर नज़र आ रहा है। अब गिरावट का वजह एक और निकल के आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जिस दिन से जोमेटो शेयर फॉल 5% आफ्टर मैक्वेरीज प्रिडिक्ट्स ए 46% डिक्लाइन इन 12 मंथ्स, तो मैक्वेरीज का कह सकते हो डाटा जब से निकल के आया 46% का गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 12 मंथ्स में। मैक्वेरिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रिडिक्शन जो भी देखने को मिला है मैक्वेरिन का, कि 46% का गिरावट हमें 12 मंथ के अंदर देखने को मिल सकता है। उसी दिन से कह सकते हो कि 5% फॉल देखने को मिला, उसके बाद से कह सकते हो लगातार गिरावट स्टॉक में जारी रहा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मतलब कि जारी क्या रहा अगर देखा जाए, तो वहीं 31 को गिरावट, उसके बाद अगर हम बात करें तो आज के दिन गिरावट, उसके पहले भी गिरावट था 30 को। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं तेज़ी का माहौल कब बनता है। अभी इतने अच्छे माहौल में भी कह सकते हो कि गिरावट रहा आज के दिन, तो क्या ही कह सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें शेयर के रिलेटेड। अब इस डाटा को मैक्वेरीज डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ये डाटा जो निकल के आ रहा है गिरावट को लेकर, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्या ऐसा गिरावट हमें देखने में मिल सकता है इतना बड़ा, अगले 12 मंथ में क्या इतना गिरावट हो सकता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आज की कारोबार के ऊपर बात करें, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेवल्स के बारे में, जो कि क्या लेवल बन रहा है जिस पे आप ध्यान दे सकते हो अगले ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे, 2% से ऊपर गिरावट देखने में मिला मार्केट क्लोज होने के बाद भी, 799 क्वांटिटी बाई साइड में मोर ऑर्डर पे लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। 62.12% का डिलीवरी परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने में मिला है, मैंने 62% आप देख सकते हो यहाँ पे 62% से भी ऊपर का माल उठाया गया आज के दिन डिलीवरी में, जो कि कह सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त माल उठाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेवल्स क्या बन रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम का, तो टुडे का वॉल्यूम देखेंगे 6 करोड़ का, स्टडी का वॉल्यूम 15 करोड़ का वॉल्यूम में, 10 करोड़ डिलीवरी उठाया गया स्टडी, उसके पहले 1 वीक के एवरेज में 6 करोड़ के वॉल्यूम में 4 करोड़ डिलीवरी उठाया गया, 1 मंथ के एवरेज में 5 करोड़ के वॉल्यूम में 3 करोड़ डिलीवरी उठाया गया। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो 100% लोग कह रहे हैं भाई 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंड भाई। अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। वीडियो ऊपर लास्ट तक आप देखते रहिए। अगर गिरावट होता है तो सबसे पहले डाउन साइड के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो किस लेवल पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो लेवल रहेगा डाउन साइड में, वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा 172 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में नेक्स्ट लेवल के, दोस्तों अगर हम बात करें कौन सा लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद अपसाइड के लिए भी लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। 172 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में नेक्स्ट लेवल, आप कुछ इतना पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 169.70 के आसपास। और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में एक लास्ट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए 159 का लेवल है, जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान से देख सकते हो। अदरवाइज अगले ट्रेडिंग सेशन में ये कुछ 2 लेवल भी आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपसाइड के लिए क्या लेवल बन रहा है, यानी अगर आपको तेज़ी देखने को मिलता है तो किस लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो लेवल रहेगा अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल, अगर आपको तेज़ी देखने को मिलता है तो 182 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल अगर हम बात करेंगे, तो वहीं यहाँ पे कुछ लेवल है 185 का। और इसको भी अगर ये ब्रेक आउट देता है अपसाइड में, तो फिर एक कुछ ये 195 के लेवल पे ध्यान दीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 195 के लेवल पे देख सकते हो यहाँ। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप ध्यान दीजिएगा, डाउन साइड में गिरावट होता है तो, और अपसाइड के लेवल जो है तेजी होता है तो ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या कर रहा है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।